मुंतजमीन तरफा माजरत, जो काफ़ी देर थी वही है प्रोग्राम देर से शुरू थे तो ही असि तकरीबन रवायतू थी वही हैं छो तो अस वक्त जो कदर ना है। बिस्मिल्लाह के लिहाज का पांजे मुर्शिद सरकार लाखिणी घोट लतीफ जे बैत से कदस उन मेहमान के स्टेज ते घुराबो बाकी प्रोग्राम जो बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से थी। आप दरगाह ख्वाजा गुलाम फरीद के गद्दी नशीन हैं, साहिब इल्म हैं, बराह करम तशरीफ लाइए अपने स्टेज की मसलत संभालिए। दूसरे हमारे अब्दुल अजीज पीर मुनीर शाह जकरी साहब दरगाह जकरी सकरंज से इनका ताल्लुक है, उन्हें भी गुजारिश है कि आप भी सर के साथ तशरीफ ले आए। मियां मकसूद अहमद चन्ना सदर हैं जमात इस्लामी सिंध के, आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए, अपनी नशत संभालें। हाफिज नसरुल्लाह चन्ना साहब आप अपने रिश्त से वाले तशरीफ लाइए, आपके बहुत करम नवाजी, आप तशरीफ लाए।
मिस्टर सदरुद्दीन शेख, शेख जमात के सरगना, हमारे क्योंकि ये जो प्रोग्राम तय किया हुआ है उसमें आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारी जमातें सरमस जमीयत लतीफ़ी जमीयत प्रेम सागर संस्था असांजो भिटाई आर्ट काउंसिल पाकिस्तान और कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तावन से हो रही है। तो मैं बुलाऊंगा विजय कुमार मुजरानी, आप प्रेम सागर संस्था के कर्ता धर्ता हैं और आपके साथ हैं हेमन मोटवानी साहब, आप भी तशरीफ लाए और अपने रिसर्च संभाले। मखदूम नियाज कुरैशी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। और हमारी मौजूद मेहमान कल्पना देवी वो रास्ते में हैं और मैं बहुत ही तहे दिल से वेलकम करता हूं नरोदा मालनी और उनके भाई को कि आप हमें अपने बेहतरीन कलाम से मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन को आप महसूस करेंगे। तो ये हमारे मेहमानाने ग्रामी थे और आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले तलावत कलाम पाक और उसके साथ ख्वाजा फरीद साहब के नातें भी हमारे सामने पेश की जाएंगी। तशरीफ लाए कारी वकार साहब। الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। प्रोग्राम असा पांजे इन खूबसूरत प्रोग्राम जे आगाज में असा जे दाऊद मेमन साहब जेका अर्क रेजी कई है असाजे क्लासिकल शायरन शाह सचल सामी जिनमा सामी साहब के ये ट्रेलॉजी तो चई वेंदी आ पर उनके काफ़ी नज़रअंदाज कर दाऊद मेमन साहब वही कोशिश करे सामी साहब ते मुकमिल स्टडी असाजे आगू आंदी है। मां पांजे पूरी दिली खुशी सा अर्ज करदुस त हिन किताब के इनकरेज कजे। ही असाजे मथा कर्ज आ धरती जो कर्ज आ त असा हिन टिनी शायरन ते जेके असा जा मुहदार आहिन ए तसौफ जा जौहर आहिन टई शाह साहब सचल सरमत ए सामी त सामी जेको असा में रहलो अज असा वो कंप्लीट करे तहां सबनी जे अगे पेश कयूं था। मां पांजे मौजूद मेहमान के चंदुस त हिन किताब जो तहां के दीदार कराए असा इफ्तिताह करे रहा हूं सामी जा सलोक जेके असली सलोक है उन जी माना ए शरह भी मौजूद आए। साईं मुझो महबूब दोस्त असदुल्ला साहब प्लीज अचो तांखे दिसी ॾाढी खुशी थी अचो अचो मथे स्टेज सां साईं भला ताड़ियूं त थी वञनि न।
यदि मैं प्राणी के कुछ तैसा जो हूँ मान मर्यादा तहा सभी जे ला पर प्यारन मेहमान ला साईं अला अचन उ जन आए मन सरहो थे हेड़ी खूबसूरत निशस्त ला लतीफ साईं जे बैत सा आया आस थ्याम बारो चा भंभोर में पसी पहर पुनु जा नहसी नेन ठर्याम गूंदर विसर्याम सुखन शाखूं कढ़ियूं किड़े वेलकम करण जो तरीको आहे त हिननि सां मिली असांजा दुख दूर थी विया ऐं सुखन शाखूं कढ़ियूं फुटी निकिता त रुगो ईअं न सम्झे त लतीफ़ सरकार सिर्फ़ु दुख ऐं दर्द जो शाइर आहे पर साईं वटि तमामु वॾियूं ख़ूबसूरतियूं मौजूदु आहिनि हाणे ही असांजो प्रोग्राम तसवुफ़ सूफ़ियत असांजी सिंध जी मिटीअ जो मान आहे हिन में असांजे इंसानियत जे सबक़ खे सॼी दुनिया में फ़ख्र सां पेश करण जो तरीक़ो आहे इंसानियत साईं जी दुआ तव्हां सभिनी खे यादि आहे दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी हाणे आलम सभु आबाद करी इहा वननेस जी ॻाल्हि आहे हदीस शरीफ़ खां शुरू था कयूं अल खल्क अयाल अल्लाह सादी ईरान जो अक़वा मुतहदा ते ॿाहिरां ई बैनर लॻल आहे त सभई इंसान हिकु इंसान जो जिस्म आहिनि कंहिं बि उज़वे खे तकलीफ़ थींदी त सॼो इंसान ॾकी वेंदो आलम इंसानियत ईअं हिकु वजूद आहे ही हिकु वजूद हासिलु आहे वहदतुल वजूद जो जंहिंजा असां सभई शाइर जेके असां अॼु मिड़िया आहिनि उन्हनि जो दर्स आहे ऐं हिकु कसर दर लख कोड़े कंस गिरखियूं जेॾां कयां परख तेॾां साहिब साम्हूं वहदता कसरत थी कसरत वहदत कुल हक़ हक़ीक़ी हिकिड़ो ॿोली ॿीअ मभुल ही हुलाचो हुल बिल्ला संदो सजणे ही जेको बि कुझु आहे इहो सॼे मुंहिंजे हिन सजण जो हुलाचो हुल आहे आहे उहो हिकिड़ो ई ऐं हिकिड़ो ई हिते आहे सभु कुझु सभु कुझु उन जो कमाल आहे ऐं इन जी शवाहिदी असांजे दुनिया जा पहिरियां किताब वेद ॾियनि था जेके सिंधी कैरेक्टर आहिनि दरिया सिंध ते लिखियल आहिनि कल्ह मूंखे ख़बर पई त हिंदुस्तान क्लेम थो करे त वेद असां जान छो त असां हिंदू आहियूं तमामु ग़लति ॻाल्हि आहे वेद हिंदुनि जा न आहिनि ऐं जंहिं वक़्तु मोहन जो दड़ो ई वेद लिखिया विया तंहिं वक़्तु ईअं हिकिड़ो ॻणियल कोई मज़हब न हो द्रावण नसुल हो जेके इंतिहाई महज़ब हुया ऐं ही जेकॾहिं तव्हांजे हिसे में अचनि था त पहिरियों वेद आहे ऋग्वेद जंहिं वेद में सिंधुअ जी सिफ़त थियल आहे सिंधु जे घोड़नि जी सिफ़त थियल आहे भला गंगा जमुना जी सिफ़त छो न थियल आहे जेकॾहिं तव्हांजा आहिनि त सिर्फ़ु इन करे क्लेम करण त उहे संस्कृत में आहिनि बिल्कुलु संस्कृत असां वटि हुई पोइ भाषाऊं फिरंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं अपब्रिज थी त अहिड़े नमूने सां हिन क्लेम ते मां बिल्कुलु स्टैंड वठंदुसि ही सिंध जे किनारे ते लिखियल सिंधी तहज़ीब सकाफ़त ऐं इल्म जा
मुहदार किताब आहिन हिता असान जी तहजीब सजी दुनिया में वही तौहीद जो इल्म हनन मा मिले थो एको सत्यम दुवे तो नासी हिकड़ो ही सच आहे जको कायम दायम आहे सच दे के जेबा जको फिरे न खत्म न थे दुवे तो नासी बियो कोई ना है सिर्फ एक ला इला इल्लल्ला वरी अगते हली चे तो एको अद्वैतम द्वैत मानी बियो बियो न संगत कोई भी ना है वो पार पाने वजूद में हिक्का वदहु ला शरीक लहु त एडे नमने सा ही तौहीद जो जको सबक आहे ए तसव्वुफ जो सबक छाए तसव्वुफ जो सबक यो आहे जितां शुरू थो करे वेद सत्य जी मुझे तो सच के चबो आ एकम सत्य जगत मिथ्या मिथ्या चबा कूड़ के ही जेको कुछ जहां नजर अचे थो वो कूड़ आहे कूड़ जो मतलब आ यो नजर बिल्कुल अचे थो पर यो कायम उन एक जात जे करे आहे त एड़े किस्म जे असा जा पैगाम खणी दुनिया के तौहीद ए तहजीब सिखाण वारा वेद असा जा आहिन गवाही लामा एन मोरा अमेरिकन राइटर आ तमाम वरी मशहूर है उनके कोट कंदस जै चो आ त सिंध तहजीबन जी मां सडियो तहजीबू जेके भी ता मिस्र को तो था मिस्र में जेके ता जा ये अहराम ठहल है ने ए हिताई मसाला वेदा हजरत ईसा के जने प्रयास ते चाड़े हूं ए जने उनके लाठो गयो तो जै कपड़े में उनके बधो हुयो वो मलमल हुई सिंध जी ए उआ सिंध जी मलमल एडी सुठी हुई तदे इंग्लैंड वटे का इंडस्ट्री नहीं अमेरिका जो तो वजूद ही न हो त जदे इंडस्ट्री उनन पैदा कई तो उन पहरो कम यो कयो तो सिंध जी बाफतो ए मलमल ते बैन हणी छड्यो तो चाला का असा जी पांजी लोकल इंडस्ट्री तरक्की करे दुनिया जो पहरो जरई इंकलाब सिंध आंदो जरायत ए उन जरायत जी मुहदार औरत आ मर्द न उन असा के खाती बाड़ी करण सिखारी बियो दुनिया के दिनल तोहफो असा जो फीथो त एड़े नमूने सा ही जको तौहीद जो इल्म जैते असा वधी करे ते मां नथो गलाया असा जो अजो को जको मौजू आहे वो तौहीद आहे ए उहा तौहीद जो जको सबक आहे ये पहला सबक है किताबे हुदा का केड़ो सबक आहे ये पहला सबक है किताबे हुदा का के मखलूक सारी है कुंबा खुदा का सदी मखलूक अल्लाह जो कुटुंब आहे जीमो पहली हदीस शरीफ पढ़ी त अल खल्क आया लिल्ला त एड़े तरीके सा सा ये वहदत जी वाई ये वहदत जो गालियों कदा रहंदा से ए हाणे मां अर्ज़ कंदुसि पंहिंजे मौज़िज़ महिमाननि मां साईं असदुल्ला साहब जी जी त तव्हां असांखे हिन सिलसिले में पंहिंजे इल्म जी रोशनी अता कयो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलिही वअसहाबिही अजमईन अमा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इकराह फिद्दीन कतबैना रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत वयूमिन बिल्लाह फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का लन्फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम स्टेज ते वेठल मुझा सभी मेहरबान मुरबी दोस्त असाय अखिंजा ठार असाया रहनुमा कायदीन ए मुझे सामू वेठल मुझा भायरों नौजवानों मुझे धीर मुझे भेनर
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मां इन मौके ते इन प्रोग्राम जे एहतमाम ते मुबारकबाद पेश कयां थो। छाकाणि त तसव्वुफ़ असां सभिनी जे लाइ अमन जो पैगाम आहे। तसव्वुफ़ जेको आहे उहो हर मज़हब जे मज़हबी छिकतान खां बालातर आहे। ही इंसानियत जे बुनियाद ते सभिनी खे गॾु करे थो ऐं अमन जो रस्तो ॾेखारे थो। हर क़िस्म जी बदमनी दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ आहे। इन करे हीअ सिंध असांजी पीरनि फ़क़ीरनि वलियनि उलियाला जी सरज़मीन आहे ऐं सिंध जेका आहे या उॿारे ताईं न आहे, बल्कि तारीख़ी सिंध जेका आहे उहा कराचीअ जे समुंड खां वठी कश्मीर जे पहाड़नि ताईं आहे। ऐं असां सभिनी खे ख़बर आहे त जॾहिं हिते चच जी हुकूमत हुई त चच जॾहिं पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु कई त चच जेको आहे उहो कश्मीर जो ब्राह्मण हुओ ऐं उन राय साहसी ॿिए हुकुमरान खे क़तलु करे ऐं पंहिंजी हुकूमत शुरू कई। उन हुकूमत में जॾहिं उन पंहिंजी हुकूमत जो ऐलान कयो त असांजे सखर जे भरिसां उन ज़माने में हुनजो दारो ख़लाफ़ आहे या हुनजो कैपिटल सिटी हुयो उतां अरोड़ खां निकिता ऐं दरियाए सिंध जो पासो वठी करे ऐं कश्मीर पहुता। कश्मीर में वण पोखे हुननि ऐलान कयो त असांजी सिंध असांजी हुकूमत कश्मीर जे जबलनि खां वठी वेंदे कराचीअ जे समुंड ताईं आहे। तंहिंजे करे ही पाकिस्तान दरहक़ीक़त पुराणो तारीख़ी सिंध आहे ऐं असां इहो सम्झूं था त इहो सॼो इलाइक़ो जेको आहे उनजी जेका ज़बानूं आहिनि उहे पाण मिलनि थियूं। मां असांजे इहे जेका सिंधु नदी आहे इन ॿिन्ही पासे ॾे जेको कल्चर आहे उहो पाण मिले थो पियो। असां सभिनी जी जेके ज़ातियूं आहिनि उहे बि तक़रीबन हिक ॿिए सां मिलनि थियूं। तंहिंजे करे हीउ जेको आहे अॼु बि असांजे दरमियान में दरियाए सिंधु हिकिड़ो इतिहाद जो ऐं सिंधु माथिरी उनखे ई चइबो जेका दरियाए सिंधु सां गॾु गॾु आहे। जिते दरियाए सिंधु हले थो सिंधु माथिरी उतां हले थी, जिते दरियाए सिंधु ख़तमु थिए थो सिंधु माथिरी जेका आहे उते वञी सिंधु वेली जेका आहे उते वञी ख़तमु थिए थी। असांजे सिंधु में हाणे साईं ॿिए ॻाल्हियूं तमामु काफ़ी कयूं आहिनि त सिंधु जी जेका तारीख़ आहे अलहमदुल्ला असांखे हिन ते फ़ख्रु आहे। असां अहिड़े हिकिड़े ख़िते सां तालुक रखूं था जेको तारीख़ी तरह सां हिकु तरक़ी याफ़्ता ऐं दुनिया खे रहनुमाई ॾियण वारो, दुनिया खे तहज़ीब ॾियण वारो, दुनिया खे जेको आहे अमन ॾियण वारो इलाइक़ो आहे। ऐं अॼु बि अलहमदुल्ला असां सिंधु जेका आहे उहा अमन जी सरज़मीन आहे। इन जो सबबु हिते असांजा पीर फ़क़ीर औलियाला ऐं सूफ़ी आहिनि। शाह लतीफ़ जे ज़माने में साईं शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ऐं साईं सामी इहे सभु जेके आहिनि ॿई हिकु दौर जा माण्हू आहिनि ऐं ॿिन्ही जी दोस्ती बि मशहूरु आहे। ऐं सामी जेको आहे पंहिंजे किताब बि आहे मौजूदु, उन में हिकिड़ो बहितरीन शेर चयो आहे। हुन चयो आहे त पेपर में परमेश्वर त बबूर में को ॿियो, मस्जिद ऐं मंदर में रोशन थिए हिकु ॿियो। माना त हीअ जेका असांजी जेका पाण में हिकिड़ो तालुक़ु आहे उहो उन सभिनी जाइनि ते अॼु बि तव्हां दुकान ते वेंदो त असांजे हिंदू ॿारनि जे दुकान जे मथां बि लिखियलु आहे त सभिनी जो मालिक हिकिड़ो आहे। माना असांजे दरमियान में केतिरियूं शयूं जेके आहिनि उहे मुश्तरक आहिनि। इन करे तसव्वुफ़ जेको आहे उहो असांखे मज़हबी इंतिहा पसंदी खां मना थो करे पियो। उहो चए थो त पंहिंजो मज़हब छॾियो न, ॿिए जे मज़हब खे छेड़ियो न, पर गॾिजी करे अलाह जा माना बणिजो, शैतान जा माना न थियो। गॾिजी करे तव्हां जेका इंसानी जी ख़िदमत जे लाइ हिते वधो, छोड़ो पेट जे लाइ पंहिंजे ज़ात जे लाइ न वधो। तसव्वुफ़ जो पहिरियों सबक़ु इहो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे तालुक़ु बिल्लाह। तालुक़ु बिल्लाह खे जेकॾहिं मां सिंधीअ में चवां त अलाह सां तालुक़ु। अलाह सां तालुक़ जी माना इहा आहे त असांखे जेको कमु कयूं अलाह जे लाइ। तसव्वुफ़ जेको आहे उहो दुनियादारी ऐं ज़ाहिरी हिन जेको आहे मज़हबियत खां
बजाय उनके रूहानी के तरफ तो वजह जाए साईं जन सा वेठा साईं जन सा ये रनवाई लीला बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी असा के देखो कुछ सिखारियो यही सिखारियो कलंदर शहबाज भी यही सिखारियो शाह लतीफ भी यही सिखारियो उन सा गलो गल असा के सचल सरमस्त उन सा गलो गल देखो है सामी भी यही शेम सिखारियो है शाह लतीफ भी ता निसो तो ने शार जेके भी ता पढ़ंदो तो उन में एकड़ी वसत ता के नजर साई में सदाई करीम थे सिंधु सुका पर अगते छादो जे दोस्त मिठा दिलदार आलम से बात करी माना असा जे अमर जो पैगाम छरो है उबार जे नहीं छरो जे को सिंधु धरती जे नहीं सिंधु माथरी ता ही नहीं बल्कि असा जो पैगाम जे को आ वो सजी दुनिया जे लाया तने करे मुजा भाई आज असा वट जेका दहशतगर्दी आ आज असा जे के मसाइल आ आज असा जी करप्शन आ असा मसलो जो आज जो है वो बदमनी है असा मसलो जो है दहशतगर्दी है असा मसलो जो है वो बेरोजगारी है इन सभी जो इलाज जो वो रूहानियत जैसे तसवुफ चे सकूँ अस गजी कर अचो तो अहद क्यों तो बबा अस बुजुर्गान दीन के तालीम से हल्दे मजहब ए दीन न छींदे बे के मजहब के छींदे दहशतगर्दी के मुकाबलो कंदे इंशाल्लाह सिंध के पाकिस्तान के एक इस्लामी उनसा गो पुरम पाकिस्तान बनाईंदे वाखिर दवाना अलहमदुल्ला सागर सथ के नुमाइंदी के हैसियत में हेमन मोटवाणी साहब के अर्ज़ कदस तो वे अचन गुजारिशात पेश कर अचो मोटवाणी साहब मुझो नालो हेमन मोटवाणी इतने कराची में वकालत कहते ही रहा पर जै शहर से तालुक रखो उन शहर जो नालो इस्लामकोट है जो असाजे थरपारकर जिले में है उते एक दरवेश पैदा थे हो जो नालो हो संत नैणराम जो आश्रम या आशियानो अज भी वे पैमाने हल्दों रो है जिते डेटी लंगर भी हों हजार बजार मू मानी भी खाईंदा रहा पर हलो ही रो सिलसिलो यो न महसूस कितना अचे तो थर में डुकार जड़ी हालत भी होंगे पर दरवेशन जिते जिते असाजे दरवेशन सूफियन संतन जो कमायो तप कयो वेठा रियाजत कई उन्हें जहोदा अज भी हलन था उन्हें मूसा उन मुलाकातों भी हुई छो तो मुझी एज भी इन वक्त 72 साल है साई जन डेथ कर 1973 में तद करीबन बीए पास कर चुको हुसें साई के आशियाने से रेगुलर वेंदड़ हुआसें उनखा सीखना भी हुआसें तो बबा यो योग की थींदो है जप की थींदो है उन जा फायदा मानन के की मिलंदा है वो कदे कदे मौज में हुंदा हुआ तो बुधाईंदा हुआ या उन जे चारपाई ते हमेशा शाह जे रसाले खां वठी केतरा ही किताब रखिया पिया हुंदा हुआ जैमें शाह जो रसालो तो छो असांखे याद आए इन करे जो असां सिंधी में हुयो पर बया भी हिंदी में बेन लैंग्वेज गुजराती में साई पंजी नंढी उम्र में ही दुनिया छड़े फकीर से गड हलिया वह उतने उन काफ़ी हासिल कयो हो उते आया तो वो वरी 2007 में मून साई के गाड़ियन के सहरण शुरू कयो तो उनको एक बैत मुझे सामू आयो जिस पान वट शाह लतीफ जो बिटाई जो बैत है
तीअं हुन चईं त पहिरीं प्रभु पाण सारे मंझि संसार, पहिरीं प्रभु पाण सारे मंझि संसार सच देव ब्रह्म स्वरूप साकार ऐं निराकार। साकार ऐं निराकार जो मतिलबु इहो आहे त जेके असां क्रियाउनि में या मंदरनि में जेके गिणणियूं वॼाए जेको पूजा पाठ कंदा आहियूं इहो साकार रूप आहे, ऐं निराकार रूप इहो आहे जेको असां खामोशी में जी नमाज़ पढ़ंदा आहियूं या ध्यान योग में वेंदा आहियूं त इहो निराकार रूप आहे। पहिरीं प्रभु पाण सारे मंझि संसार सच देव ब्रह्म स्वरूप साकार ऐं निराकार अजन मां अपनासी। अजन मां माने अकेलो ई आहे दुनिया में, ख़ुदा जो कोई सानी कोन्हे, भॻवान जो कोई सानी कोन्हे। अजन मां अपनासी सर्वव्यापक, पर सभिनी ते हर हंधु आदर आहे। सर्वव्यापक हर हंधु आदर, सर्वव्यापक प्रकृति जो आधार, प्रकृति माने ही काइनात जंहिंजो आधार इहा काइनात बिना कंहिं रे थंबे रे थूणी छपर तूं छा, त बिना कंहिं थंबे जे जेका हले पई उनजो आधार हुयो। जपो उन जगदीश खे, उन ख़ुदा खे, उन भॻवान खे यादि करियो, चई अखर ओमकार जी अला आहे, ओम आहे, इहे लफ़्ज़ आहिनि जंहिंसां यादि कयो वेंदो आहे। जपो इन जगदीश खे चई अखर ओमकार, कराए सभु कार, करे सभु कार, सार बि लहे थो हुनजी, चई उनजी सार बि लहे थो त कराए बि थो ऐं करे बि थो। इन करे दुनिया में दरवेशन हर दौर में असांजी सिंध धरती तमामु इनरिच रही आहे ऐं भलारी रही आहे, जिते हर वक़्तु दरवेश अञा ताईं बि केतिरा ई अहिड़ा दरवेशन धरती ते हूंदा जेके असांजे साम्हूं कोन पिया अचनि, पर उन्हनि जूं ॻाल्हियूं, उन्हनि जा गीत, उन्हनि जा बैत जेके आहिनि सो आहिनि ऐं रहनि था। छो त इहो ख़ुदा चई छॾियो त बाबा हर दौर में इंसान किन खे पैदा थींदा रहंदा ऐं दुनिया खे दर्स ॾींदा रहंदा। इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं असां सूचा क्रम में हिते अचण जो मौक़ो मिलियो। हिते अॼु ख्वाजा फरीद जा साईं गादी नशीन वेठा आहिनि। मूंखे यादि आयो त मूं हिकिड़ो किताबु पढ़ियो त ख्वाजा फरीद कंहिं वक़्त में इन बहावलपुर खां सिधे रस्ते तां जेको आहे सो छोटण जी मड़ी में विया हुया। शायदि इहो किथे हिननि वटि नोट हुजे या न हुजे, पर मूं वटि उहो किताबु आहे जंहिंमें ख्वाजा फरीद उते डूंगरपुरी महाराज सां मिलिया हुआ। उन वक़्त में डूंगरपुरी उते जो जेको सो गदी नशीन हुयो, त उन खे चऊं त भई असांखे योग जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए या योग जो इलम ॾे। त डूंगरपुर महाराज चयो त बाबा तव्हां जो तव्हांजे धर्म में बि काफ़ी जेको सो इलम आहे ऐं तव्हां उतां ई हासिलु करे वठो। त बाबा फरीद चयो, ख्वाजा फरीद चयो त बाबा ॻाल्हि इहो त तव्हां ऐं तव्हां खां मुंहिंजी लैंग्वेज में मुंहिंजी ज़बान में पुछंदोसीं ऐं तव्हां पंहिंजी ज़बान में मूंखे जवाबु ॾिजो। ऐं तव्हां खां पंहिंजी ज़बान में सवाल पुछंदोसीं ऐं तव्हां मूंखे पंहिंजी ज़बान में जवाबु ॾिजो ऐं आउं सम्झी वेंदोसीं। जॾहिं ॿ इलाही माण्हू पाण में गॾिजी वेंदा आहिनि त इहा ई ॻाल्हि थींदी आहे त हाणे ख़ुदि ख़ुदा ॿिया ई तोखे ॿियो कयो। असीं हक़ीक़त में असुलु उन ई ख़ुदा जो, भॻवान जो, परमात्मा जो हिकिड़ो अंश आहियूं, उन जो हिसो आहियूं ऐं असां जेकॾहिं सम्झण ते अचूं ऐं पाण जेकॾहिं पाण में उहो नुक़्तो पैदा करियूं त शायदि असीं दुनिया जी हर ॻाल्हि खे सम्झी सघूं था ऐं तमामु आसान ॻाल्हि आहे। उन ते बाबा फरीद ऐं उन्हनि जी जेका गुफ़्तगु हुई उहो मूं वटि उन किताब में अञा ताईं लिखियलु आहे। हुन कहिड़ा सवाल कया हुआ ऐं हुन कहिड़ा जवाब ॾिना हुआ, छो त हुन जवाब जेके ॾिना हुआ उहो मारवाड़ी ज़बान में हुया, छो त इलाइक़ो राजस्थान जो हुयो। ऐं बाबा फरीद जेको हुन खां सवाल कया हुआ
इतनी सरायती है बावलपुरी लैंग्वेज में हुआ तो अड़े नमूने से दरवेश भी कें वक्त में पा में मिलंदा रहा है ज्ञान गोष्ठ भी कंदा रहा है अज भी यो सिलसिलो जारी है असाई जेका कॉन्फ्रेंस सराई है यो भी अजी इंसानियत के लिए एक वो पैगाम है असि सिंध धरती है पाकिस्तान के लिए भी सुनो पैगाम है महरबानी मोटवानी साहब असा मौजूद मेहमान अनवार हक बरेली साहब गुजारिश है स्टेज से अचो असि मौजूद मेहमान जैसे जिक्र किया तो रस्ते में वे पहुंची व्या ताड़ी की गूंज में असि मेहमान के रिसीव कर देवी कल्पना इंसानी हकन रियली सूफी किरदार अदा कन था बिना कें भेदभाव के सो गुजारिश है तो स्टेज से अचो हाँ बैत तो चवाई बुझो मजो ही जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार ही उहा पंजाबी है जेका सिंधी गाडड़ है हाँ इो समझण चाहो था तो लतीफ साईं ठलदासे सहसे सिजन उभरे चौरासी चंडन बिला री प्रीन सब ऊंधाई बाया ही आहे इश्क ही आहे महबूब सा प्यार त जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन रोशनी के होंदिया गुर बिन घोर अंधार बिला री प्री सब ऊंधाई बाया हाने असा ज़हमत दींदासे पान के निहाल कंदासे पीर मुनीर शाह ज़करी साहब के गुजारिश है तो पान असाजे इन हाल के रोशनी विझंदा दोस्तों हक मौजूद मैं समझा तो जो की ही जी का महफिल सिंध के दिल कराची में अड़े महफिल में इंतई अहम बोर्ड से थी रही है जैमें न रुगो सिंध जहा उ सूफी शायर जिन तसवुफ के गाया शहर चया पर उन सराय किस्तान जो राजा फरीद उन्हें जो जिक्र इतना इन महफिल सजाण में मां समझा तो जो मुख्य किरदार वो फरीद साईं के जबायत जो जड़ा नाले जा महबूब हैं जड़ा असा महबूब हैं साईं महबूब साईं जो फरीदी जबायत जो असल में गाल जगह से पहुंचे भी तो गाल तमाम घड़ी डिगी थी उन्हें करे असाद तसवुफ ते कायम रहते तसवुफ की थोड़ी चैन जुमलन में थोड़ी गाल कदे अस मौजूदा दौर से जो मौजूदा दौर में तसवुफ की अहमियत की जरूरत से ईंदी जो मजहब हैं मुझे ख्याल में जो मजहब हैं जैसे ऑर्गनइज थन था उन्हें आणीदड़ जै दुनिया में भुको बटाइन था जी इस्लाम में रसूल पाक जै जहरी दुनिया में भुको बटाया तो उन्हें मजहब में मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ लाड़ा रुझान शूँ दाखिल थे उन्हें मजहब अगत वे तो
तो जैसे मजहब की तारीख पढ़ू था तो यो दिसदासी तो उन मजहब की तारीख में उन्हें जो पैगाम है उन्हें थोड़े वक्त का कें न कें मकसद के लिए आर्गनाइज नमूने से इस्तेमाल किया तो वे जैसे मुख्तसर में मुख्तसर करा पो कें डिघे तफसील में कोई पे वजह खुदफाय राशदीद जो जैसे दौर पूरा तो थे उन दौर के विच में भी जो तारीख पढ़ा इस्लामी तारीख पढ़ा तो वह असा महसूस थे थी तो उन पैगाम में मुख्तलिफ़ किस्म जो रुझान मुख्तलिफ़ किस्म जो सोचू ए मुख्तलिफ़ किस्म जो लाड़ा अचन शुरू थी वह जिथे असा खुलफाय राशदीद नजर था अचन उन दौरे हुकूमत नजर थी अचे उते असा के हजरत अबू ज़र गफारी जो किरदार शख्सियत आई उन तह तहते अमल हुआ उमून उ तारीख के सीरन में तारीख के किताब में महफूज है जो कें वक्त उबारी खड़ी बाह जो बदले पाक के घटन में घुमंद हो चवंद रसूल पाक जहाँ उ कौन याद ना जिन में तेजे वे इबादतों ठाण का हेडा जो पोशाकू पाने का मना कई वही दौलत बहन का मना कई वही हुई तो ये एक रुझान तें टाइम से शुरू थिया हजरत मौलाना मौदूदी जहाँ लफ्स धारा वा जो खिलाफती मलूकियत में लिखा है तो खिलाफत का जैसे मलूकियत अची वही उन दौर यो दिठो तो वो मजहब जो रूहानी तरबियत ले आयो हो वो मजहब जो गरीबी अमीरी के मिटाने ले आयो हो वो हुजूर पाक जन जो खुतबो जैमें कारे के गोरे ते गोरे के कारे ते अरबी के अजबी ते को फर्क को वो डर कोई वसी पैमाने ते जो पैगाम उनके विसारे वेठो हो पर जिके अरब जा कबीला उन कबील में वो विराज शुरू थो एक कबीले जो हो तो हाँ जैसा है खिलाफत असो हक आ बलूकियत असो हक आ असो ये है उन्हें इतहा जो थोड़ी तारीख पढ़ल दिखी हूँ बुधी हूँ पढ़ी होंगी उन्हें इतहा में समझा तो करबला जो वाक्यो आ करबला जो जैसे मैदान सजे तो तार सदो तो बिन्हीं पास बिन्हीं लश्कर में सागी कुरान पढ़े तो वे सागी आजान अचे थी सागा पढ़ू सागा साहब ही साहब औलाद वो मौजूद आ लिबास जो टाइम तो अचे तो जंग बंदी थी लिबास पढ़ शुरू था कर बिन्हीं और सागी लिबास पर इतने अची फर्क वाजिया तो थे उन्हें खा वी इस्लाम बिन धारण में यजीदत हुसैनत के धारे में उतारो शुरू थे तो इो ही दौर हो इो ही दौर हो जै ये तसव्फ जा लाड़ा इस्लाम में आया एक बुजुर्ग ने सूफ दिठो मानून दिठो तो असली जो पैगाम हो उन्हें हटी इस्लाम जोलग हैं जिनका नाला तो मुसलमान जन तो मुसलमान पर हुकूमत के उन्होंने कमन के उन्होंने गाल इस्लामी नो ची सके उते अची ये ना तो टोलो ठाया पर उन्होंने थाट दिनो जो जेबू शहर की हर मजहब में हिंदू में वैधान्यत आई ईसाइत में आई असूदत में कबल आई आई जो इन किस्म जो वैधानत वैधानत लड़ा आया उर्गनाइज मजहब के नहीं दुनियादारी का इस्तेमाल लगा तो उन्होंने एक मान ये सोचे तो न दुनियादारी का इनकार ना है पर ही जी दुनियादारी आवा न इस्लाम की गाल न रुहानियत की गाल न अंदर की गाल तख्त ताज की गाल उतार ची लाड़ा पैदा था थन ते दौर का वी अज तस्लाम में मुख्तलिफ़ लाड़न जहाँ
बिन बुतरफ ख्याल जा मानू हलदा था अचन मां समझा तो 1400 साल जेके गुजरिया है इने का पो अज यजीदियत तोड़े हुसैनियत पहले पूरे हुसैनियत जे मथा चो तो बा के है फिके दे के उड़े दे शब्द तो कह हुसैनियत ब फर्क है बो जे बुझे ले हुसैनियत या है यजीदियत या है तो यजीदियत सिर वठी हुकूमत थी वठे आई हुसैनियत जे का है सिर दई इस्लाम के थी बचाए इंसानियत के थी बचाए इने 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 सेंस में बा हुसैनियत यजीदियत तो ताज साबू रखा तो उहे बई लाड़ा हड़दे आया 1400 साल 1500 साल का पो ये बई फसुड जेके करबला जे मैदान में भुख्या वे आयोडे का आगु रड जा तैयारी जेके थियो उहे पजा पजा सलाह देण बे पजा पजा फसुड देण बे उहे शुरू थियो आई अज ये बई सोचो मुतरफ ख्याल में मुतरफ फिरकन में मुतरफ मज़हबी नालन में अज बसावट मौजूद आए उते जेकर यजीदियत जे लड़े के एकरन मानन तबलीग कई वह तबलीग भरी यजीद जे मुखालफत में हुजे जाहिरी तरह पर उने जो पगड़ो जे को जो यजीदियत जे सोचे दे पे बियो ए एकरन मानन जिन इंसानियत दी गाल कई जिन मजहब दी गाल कई जिन रवादारी दी गाल कई जिन मोहब्बत दी गाल कई जिन अमन दी गाल कई तमाम सारे खूबसूरत पसवर जरा सके बुधायो वेदान जो वादानित जो तो वादानित के था अली इब्रो अलग बोझू आ तमाम घर पर पाठ पर जो बोझू थे था रहू वो अज मुतरब फिरकन में मुतरब सोचन में अजीब वाज आए अजीब जगह ने ऐसा लकीर का ढला सी मैं ये चीज़ का तो तब कल बोझे को हो एक लड़ पर ये में हटायो एक लड़ निर्णय का हिट कर लेतो कुरान में साके बुदाया तो जिके मुसलमान हुआ जेके मक्के में मुसलमान थिया जेके मदीने में मुसलमान थिया फके मदीने का पो मुसलमान थिया उन्हें जो फर्क बस है कुरान पाक बुधाए ये 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 ऐसा के जेद में शेयू रकर का पर हाने जेद ये ऐसा 1400 साल का पो विषय था ताज जैसा के खबर थी पे तो उन्हें लाड़े दी पजे पूरे तसरसुल बे जेके देखे बधाए हुआ विजय हुआ तो उहे सूफिया इकराम हुजन उहे केड़े दुनिया में हुजन केड़े मुल्क में हुजन केड़े जाए ते हुजन उन्हें हु जो अमन जो पैगाम आ मोहब्बत जो पैगाम आ इंसानियत जो पैगाम आ ऐ पज पैगाम के आफाकी पैगाम करे जेको मुझे नजर में जेको कुरान पाक जो रसूल पाक जो हकीकी पैगाम जो रूह हो उहे खड़ी असा ते पोता ऐ असा खुश नसीब आयो सिंध धरती जा पाण त असा वट हो रुझान जनमल हिते आयो त यकीदन मुख़्तलिफ़ कल्चर जा उन्हनि ते असर पवनि था को बि मज़हब हुजे का बि अक़ीदो हुजे उन ते जनमल मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वञे थो त उते जा बि असर उन ते पवनि था जीअं सिंध जी धरती आहे हिते मुख़्तलिफ़ माण्हू अची गॾु थिया पर जंहिं महिल मजबूरी ॾिसंदासीं त असां ते उहो सिंधियत वारो जेको असरु आहे इहे ई मज़हब ते मुख़्तलिफ़ तसव ते पिया पर सिंध जी तसव जी हिकिड़ी तव्हां ॾिसंदो त ख़ासि ख़ुशूसियत आहे जेका बड़े सगीर जे तसव खां या भाई हिकिड़ी चवां इंडिया जे तसव खां थोरी निराली आहे असांजे नमूने सां असांजे सिंध जे सूफ़ियुनि जे नमूने सां ख़ुदा जे सभई सभई ख़ुदा जा पासा आहिनि ज़ाहिर बि आहे बातिन बि आहे रहमान रहीम बि आहे त कहार जबार बि आहे पर माण्हुनि माण्हुनि ताईं इन्हनि सूफ़ियुनि माण्हुनि ताईं जेको पैगाम पुॼायो हिकिड़नि पैगाम हुन जी कहारियत जो पुॼायो पुॼायो हुन जी ज़बान जो पुॼायो दोज़ख़ जा दड़का ॾिनऊं ऐं हिकिड़नि न दोज़ख़ दड़को न जन्नत जो आसिरो सिर्फ़ु मुहबत जो पैगाम ख़ुदा मुहबत आहे ख़ुदा सां मुहबत कयो ख़ुदा ऐं असांजे विच में जेकॾहिं को बाट आहे त उहो मुहबत जो बाट आहे इहो जेको पैगाम असांजे सिंध जो सुखियुनि जो हो मां सम्झा थो त असां तसवर जी तारीख़ ते ॾिसंदासीं त इहो असांखे बरे सगीर में या दुनिया जे ॿियनि सुखियुनि वटि तमामु घटि मिलंदो उॾे में हीअ जेका असांजे सभु नाला आहिनि शाह लतीफ़ हुजे सचल हुजे सामी हुजे ऐं उन खां पोइ जा जेके तमामु घणा नाला आहिनि सवे नाला आहिनि कलंदर शाहबाज़ जो नालो आहे उन में पर जेके सिंधी ॿोली में जिन शायरी कई आहे
वो तो खुश खैरमत फकीर खा वठी जेके बुज दजा जनन चडा सजो फकीर आले केतरा के तो गेर ओ एको तसलसल आ उने सजे एक सिलसिले जो जेको अची अज हते पतो अफसोस आ चोड़ तो पे बल्कि जेकर तारीख के सदा सी तो शायद तारीख जो बड़ो सच हो जे तो तसो के सदाई हुकुमरान पर जो न कयो आ जो सबक समझी सको था तो तसव में वाई हेट बताई मुस्लिम गैर मुस्लिम काफर मुस्लिम इन जो को फर्क को हुकूमत हलन थे मुख्तलिफ मजहब के आड़ में मुफादत तहत हलन थे नारो हि गाल तसव जो शूफी कदम भान न पाया है नई तस्वीर कदम के सामू भा पाड़ को जदोजहद कई है सदा ही राबो ख्वाहिश कुछ आम मानू से आवाम से रियासत असाजे प्यारे पाकिस्तान में कद ही सुख कलाम के बा हुकूमत के हवा से गल तो क्या सरकार के हवा से तो गल क्या कदें भी है सो तसव सूफी उनके बहान न पाया है यह भी गाल तो दुनिया जी का बदल जे भी पे पचंदा साल में बदल जे पी तो उल्क जो पेट्रोल डॉलर खर्च कर मजहबी जब जहाद कराइंदा उ तो बताए भी थी उन्होंने नजरिये सोचने उन्होंने विथरा थे उन्हें सोच शुरू किया आलमी प्रेशर जो है वो अमुन आयती सलामती उनको पो आने ते हुकूमत के मजबूर किया तो इन पास ध्यान दियन तो इताबत कुछ भलाई सके पर बुधा तो जी का भलाई है तो मजहबी इता पसंदी मजहबी दहशतगर्दी जो दहशतगर्दी तरफ वी थी वे उनके बजाय मजहब के हित तशरी में आई अस तशरी के पान से गड़ खड़ी हल्दी तो यकीन यकीन अस रुगो पे मुल्क में सिंध में पाकिस्तान में मोहब्बत अमन कायम कर सी पर इन ही प्लेटफॉर्म तक अस दुनिया के भी पैगाम दी सी जो बार बार अस दोस्त शाह लती इंस्टीट्यूट में पैगाम पाजन तो वो अस पैगाम दी सी पर कदें कदें ये लगन कदें कदें ये महसूस अजा असाजा यार समझा ना है अजा जो वक्त कारण के लिए कें शे के एडॉप्ट कबो आ वक्त कारण एडॉप्ट सबूत यो अजा भी तेज सिफर में उन सूफिया इकराम के किताबन से खोड़ हंधन से बंदिश आज जडे खुली गल सऊदी अरब सौ किताबन से मजहबी किताबन से बंदिश बुजुर्ग से उनमें वी किताब हजरत मौलाना मौदूदी जहाँ भी जो चौरासी पचासी में शाह फैसल अवार्ड मिले तो दिनों तो वे अज उन सौ किताबन से वी किताबन से कुल सौ किताबन से असर सदा है जो अखबार मुस्लिम जहाँ उनको सबक सिर्फ यो तो उन शे पास के मजबूत पे कर जो दुश्मन असा विच में पैदा करना चाहन था पर हर जो दुनिया है उनके अमन खपे मोहब्बत खपे भाईचारो खपे वो जो जो पैगाम है वो असो सूफिया कलाम वट है दुनिया के सूफिया कलाम वट है इस्लाम की जैसे इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन मोहब्बत के इंसानियत के बधाए सके सूफिया वट है हेड़ा मेड़ा का बा समझा तो उन शायण के लिए तमाम बेहतर कंट्रीब्यूशन थी थोड़ा तो साई तमाम मुझा दोस्त वेटा नी मौजू अड़ो मां मुख्तसर इशारत में गाले पर बुझी करें कें दिल चलिए हाँ इशारत में निकी डायरेक्ट गल शुरू कर अगे घड़ो 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 डायरेक्ट गल शुरू थी पाकिस्तान में तो अस डायरेक्ट गल शुरू कर दबो हाँ ये ती न हलती जैसे इस्लाम की दावा क्या तो इस्लाम की हकीकी इस्लाम की जी तस्वीर उनके सामू आने उन शो इन बुजुर्ग जन दरवेश सिर्फ सबकन में शेर दई जुमला दई सबक दई तुम ये न समझो तो अस पैगाम पे था फैलाय
हिरन के तवापजे पूरे पूरे कोर्स जो हिस्सो बनायो अंदर वो कोर्स जो हिस्सो बनायो पर तवापजी जो गाली सीधा ठायो उनन के हिरन सुफिया इकराम जे पैगाम जे मुताबिक अहिरन जे पैगाम जे पसपर्दर पे अहिरन जे पैगाम जे नतीजे पे तवापजी पाली सुठाई दो तो मुल्क पे बमनमान थी दो आई अज जते ता जो दुनिया में सुजान जका से दहशतगर्दी थी दी थी वजे वहा मिट जी अमन मोहब्बत ए भाई बचन थी दी हक सही वरी मेहरबानी असा ता जे पैगाम के सदाई गरजाइंदा रहंदा से असा जी वरी ख्वाहिश आए ता असा जे दर्सी किताबन में शाह अनायत शहीद जो सबक विझो जेको चए थो त मुझे मजहब में तासुब ए नफ़रत हराम आहे त ही प्यार इंसानियत जा जेके कौल उन्हनि खे खणी असां पंहिंजे नए ज़हन खे हिकिड़ो प्यार वारो जीअं वरी साईं चयो त अला प्यार आहे बिल्कुलु मौलाना रोम जा थो अचे मज़हब इश्क़ज़ हम दीन हा जुदास्त आशकारा मज़हब व मिलत खुदास्त तो उन हिकड़े सा कंडियल आयूं हाँ सूफी जो लफ्ज है यो सफा में निकल है डेफिनेशन बुझाई तढ़ी वन तब जानो था तो तमाम रिदगार के मतलब जी सूफी लफ्ज सफा में सफा की माना पाका ही है जी अलतहारत सफी मान या अंदर की जका सफाई है छो तहांजो अकली फिक्र फिलसफो या साइंस जाहिरी शऊर जी पैदावार आए कल्बी फिक्र सूफियत बातनी शऊर ए नूर जी बख्शिश आए जडे तहां पांजो पान सुनान का अंदर वन्यो था जिए वेद वरी आठो जे तत तुम असी वो तू पान आही ए जडे मानू पांजी हकीकत सुनाने थो त अहम ब्रह्म अस्मी मंसूर तो चे अनल हक मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा हाँ ही छाए ही कुफुर ना है ही पांजी जात सा आशना थेन जो सबक आहे जेका सूफियत आहे त इन सूफियत लाए उसर उबन डा मच्छर रही रुंज में लवारी शरीफ जो लाल उसर उबन डा मचण रही रुंज में जुजे जायज ना है कुलरी कटण दियणा तू उन का धार थी इते जिंदगी गुजारे थो यो जुजे के जायज ना है त ही वजूद जदे बुत ए जिस्मानियत खा आजाद थी कल्ब ए रूह वारी समत माने थो त उन के हयात या जियरो चेबो है जेस ते वो ना है त बाकी जियरो कोई ना है सो जीव या जिस यानी केर जीरो आए ही जी साईं चयो लतीफ सरकार चयो त मरणा आगे जे मुआ से मरी थिया नमात हुंदा से हयात जीणा आगे जे जिया असली तसव्वुफ आए मरण का आगे किए मरजे जीण का अवल किए जीजे ही जका है सो असा के समझणो आए इश्क के हवाले सा सो जीव या जिस मन वस्या सो याद यार जिक्र खुदा जैसे अंदर में हर वक्त हले तो वो जीरो आए नानक और न जीवे कोई बो कोई न तो जी सके तो ही जेको सफा वारो लफ्ज है लफ्ज असाजे हुजूर सलम जो नालो मुस्तफा इो भी सफा मां निकल है तो ये सफा जी तस्वीर आन जेको निज ए सार शे आए इो इल्म प्राप्त जेको तुझी दिल खोले तुझा समूरा मसला हल करे छे तो ही शरह सदर चेबो है फी एन फसकुम कुरान मजीद घणो कुछ चे तो अस बुधू ना माँ तुझे अंदर आया तो ही पांजे दिल जा दरवाजा खोल तो तोखे कल पे तो तू चाहे खैर हाँ माँ पांजी गुजारिश पूरी करे कल्पना देवी के इनवाइट कंदुस तो वो अची पांजे गुजारिशात पांजे ऑब्जर्वेशंस पांजे सोच के असा ताई पहुंचाए देवी कल्पना दादा तहां जी वडी वडी मेहरबानी
आए त मुझे ला डाढो दुखियो जो हेदन वदन मानन जे सामू मां कुछ गाल आया अहां जे सामू दादा स्पेशली शुरुआत कंदम अवल नाम अल्लाह जो अवल नाम अल्लाह जो जेको खालिक खलकण हार कुल नबियन खां मथा हुआ मोहम्मद मिठो मंठार अली इमाम हक जो जेको अड़ियन जो आधार जहन जो पंजतन सा प्यार सो सुरहो हुंदो संसार में नमा ही चवां तो सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो उन जे अब्दुलतीफ जे पेंजी मिट्टी लधो मान क्रोड़ी कन सलाम अचो आसन उनन जे मुखे अफसोस इन शय जो आ खुशी भी आ अफसोस भी आ दादा दाऊद के लख शाबसुन जो ही मोहब्बती मेड़ो मचाण लाए वो बेचारो डी रात कोशिश कंदो आ एक एड़ो ही मेड़ा को लाड़काणो शहीदन जी धरती ते भी करे चुको आ पर अफसोस इन शहर जो भी थे तो कराची में हेडो वडो ऑडिटोरियम हुजे एडा गेस्ट जा नाला होया उन्हन मा कोई भी नजर न थो अचे पर उन्हन सबनी खां मथा नाला जेके मुंजा इते बैठा हैं डाढ़ा मोतबर मान वारा मेहमान जेके असाजा हैं या जेके धरती जावान उहे इते मौजूद हैं जेके भी असा चंद आयूं असा थोड़ा ही हुजूं सिंधी डाढ़ा भारी हुंदा आयूं भले असा बटे हुजूं मां दादा जी गाल के अगते बधाईंदे साईं जन जी गाल के अगते बधाईंदे यो जरूर ता जे घोष गुजार कनम त हाणे रिसेंटली यूएन वुमन ए स्विस कंसुलेट वारन मुखे अवार्ड दिनो पर मु जदे भी ये शयो रिसीव कयो हन त कदे भी इया शय न विसारी आ मां हिन धरतीअ ॼाई आहियां ऐं हुननि खे ज़रूरु ॿुधायो आहे ऐं मुंहिंजी शुरूआति हमेशह भिटाई घोट खां ई थींदी आहे त अंग्रेज़नि खे बि ख़बर पए ऐं पंजाबी स्पीकिंग खे बि ख़बर पए त हीअ जेके सिंध मां हेॾे आया आहिनि जिन खे तव्हां हीउ मान ॾिनो आहे त हीअ ज़रख़ेज़ मिटीअ मां पैदा थियल असां हिन सिंध धरतीअ जा ॼावा घणो न पर ॾाढा मणियादार आहियूं ऐं हिन धरतीअ खे क्रेडिट थो मञे मां हमेशह पंहिंजे स्पीचिस में चवंदी आहियां त हीअ धरती हिन धरतीअ जी कुख ॾाढी ज़रख़ेज़ आहे हिन होशू बि पैदा कया आहिनि हिन हेमू बि पैदा कया आहिनि सचल बि पैदा कया आहिनि त भिटाई बि पैदा कया आहिनि भले उहो किथां बि आया ॿाहिरां लॾियल हुया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहबु उहे बि ॿाहिरां आया मतिलबु पर हिन धरतीअ हुननि हिन धरतीअ खे पंहिंजो कयो ऐं हिन धरतीअ उनखे पंहिंजे जीअ में जायूं ॾिनियूं ऐं अॼु उहे अमर किरदार हिन धरतीअ जी सुञाणप थी पिया हाणे अचूं था त सूफ़ीज़म या तसूफ़ ही असांखे सिखण जी ज़रूरत न आहे हिन शइ जी बिकॉज के ये जेका धरती आ ये धरती का पैदा थियल नाहे मां चवंदी आहियां हीअ जेका सिंध आ या इनखे मां भॻवान चवां या अलाह चवां या ओॾां जो वरदान आहे जो हीअ धरती ठही आहे ऐं हीउ वरदान सिर्फ़ु मुंहिंजी सिंध खे आहे ऐं इहो वरदान बि मुंहिंजे ई सिंध खे आहे त जॾहिं असांजा वेद लिखजनि पिया त उहे बि सिंध किनारे पिया लिखजनि त असां कीअं चऊं त हीअ धरती ठाही वई आहे हीअ कुदरत जी नेमत आहे हीअ मालिक जी भॻवान जी या ईश्वर जो हिकिड़ो वरदान आहे हिन धरतीअ ते त हीअ जेके शयूं आहिनि हीअ त
तसवुफ हुजे या सुफिज़म हुजे उहो असांजे खमीर में आहे असांजे रत में आहे ऐं मां फ़ख़्र सां चवंदी आहियां त असांजे DNA में आहे बल्कि असांखां माण्हू सिखंदा आहिनि जॾहिं बि असां ॿाहिरि वञूं था त असांखे इहो चई करे एड्रेस कयो वेंदो आहे ॿाहिरि मीन्स के जीअं पंजाब वियासीं या जेकॾहिं मां इस्लामाबाद वञा थी त जॾहिं हू ॾिसंदा आहिनि त उहो सम्झंदा आहिनि त कल्पना माना का ॿाहिरीं दुनिया जी आई आहे या इंडिया मां आई आहे बिंदिया लॻियल आहे नालो कल्पना आहे त जॾहिं मां हुननि खे इहो ॿुधाईंदी आहियां त अलहमदुलिल्ला छाहे त मुस्लमाननि खे थोरो ख़ुशि बि करिणो हूंदो आहे त चवंदी आहियां अलहमदुलिल्ला भाई सिंध धरतीअ खे इहो वरदान मिलियल अथव त कल्पनाऊं हिते पैदा थींदियूं आहिनि हिते शोभा ज्ञान चंदाणी बि पैदा थींदा आहिनि हिन धरतीअ हिमूअ खे बि पैदा कयो आहे हिन धरतीअ ॾाढा इनकलाबी माण्हू पैदा कया आहिनि इन करे शायदि असां बचा वेठा आहियूं ऐं हिन धरतीअ खे इहो बि त वरदान आहे जॾहिं असां ॻाईंदा आहियूं त चवंदा आहियूं त पीरनि फ़क़ीरनि जी सिंधड़ी सुहारी त वाक़ई हीअ सिंधड़ी सुहारी आहे हिते पीर फ़क़ीर बग़ैर कंहिं मतभेद जे बग़ैर कंहिं मज़हब जे जॾहिं नालो ईंदो आहे इन दी नेम ऑफ सिंधी त पोइ कोई बि हिंदू न हूंदो आहे को मुसलमान न हूंदो आहे को सुनी न हूंदो आहे को शीओ न हूंदो आहे उहो सिंधी हूंदो आहे सो लास्ट टाइम जॾहिं असां प्रोग्राम कयोसीं लाड़काणे में त मूं स्पेशली भिटाई घोट ते ई ॻाल्हायो कलंदर लाल शहबाज़ साईं ही असांजो फ़ख़ुरु आहिनि हीअ मुंहिंजे धरतीअ ते असां जॾहिं सखर खां निकिरूं था अचूं था रोड़ीअ में हाजना शाह बादशाह खे ॾिसूं वसण घोट खे ॾिसूं ज़िंद पीर खे ॾिसूं त ही छा आहे ही सिंध आहे ही सिंध आहे ऐं हिन सिंध जे इन्हनि ई ॻाल्हियुनि जे करे अॼु सिंधी बचो पियो आहे ऐं अॼु सिंधी इन मुक़ाम ते आहे जो अॼु कराचीअ में सही थोरा ई सही सिंधी टोपी बि पाए घुमूं था अजरक बि पाए घुमूं था हीअ उहा ई कराची आहे जिते असां सिंधी बि न ॻाल्हाए सघंदा हुआसीं जिते असां टोपी बि न पाए सघंदा हुआसीं हिकिड़ो दौरु हूंदो जो असां कंहिं दुकान ते वेंदा हुआसीं त उर्दू ॻाल्हाईंदा हुआसीं उहे बि असांजा भाउर आहिनि उहे बि असांजा आहिनि पर हिकिड़ो उहो दौर बि हुयो पर अॼु ही वेढ़ा वरी वसिया आहिनि असांजा कहिड़े बि रूप में अचूं था हाणे असां पंहिंजे हिन धरतीअ जी हीअ जेके शनाख़्त आहिनि उहो असांजो भिटाई घोट हुजे वसण शाह जी दरबार हुजे असांजो हाजना शाह बादशाह हुजे सदरुद्दीन शाह बादशाह हुजे मां हिकिड़ी ॿी शइ तव्हां सां शेयर कयां असांजी अमड़ ॿुधाईंदी हुई जॾहिं नंढड़ा हूंदासीं मां बेसिकली सखर जी आहियां नंढड़ा हूंदासीं त हाजना शाह ते भुट्टा साहब पोइ पंधु वेंदा हुआसीं असां मां पुराणे सखर जी आहियां पंधु वेंदा हुआसीं ऐं साई विस्पत ते माना जुमेरात ते मच्छी ऐं मानी खणी वेंदा हुआसीं ऐं पंधु वेंदा हुआसीं सखर खां रोड़ीअ ताईं इहा सिंध हुई ऐं इन्हनि ई शयुनि शायदि असांखे उत्साह ॾिनो आहे हाणे अफ़सोस इन शइ जो आहे त जीअं साईं फरमायो त हुकूमतूं इन शइ खे अॻिते न वधाईंदियूं बिकॉज़ के नफ़रत जो चूरन अहिड़ो हूंदो आहे जो तव्हां उहो चूरन कंहिंखे बि खाराए तव्हां नफ़रत जल्दी विकिणी सघो था नफ़रत जल्दी फैलाए सघो था मोहबत फैलाइण लाइ तव्हांखे जतन करणा पवंदा आहिनि सिलेबस में अॼु ॾींहं ताणी बि हिकिड़ो ई बेत आहे मुंहिंजे ख़्याल में चोथे या पंजे क्लास में आहे भिटाई घोट ते ऐं उहा ई रिपीटेडली उहा ई सिलेबस असांजा हलनि था छा इहे असांजा हीरोस इन सिलेबस में न अचणु खपनि या ही जेके कॉन्फ्रेंसिस आहिनि उहो ही ग़रीब बंदो छो करे पंहिंजे जेब मां ख़र्च करे अदा दाऊद मेमण छो करे छा गवर्नमेंट ऑफ सिंध इहो नथी करे सघे इहा उन्हनि जी ज़िमेदारी नाहे त हिकिड़ो सेशन भिटाई घोट ते थियणु खपे हिकिड़ो सेशन बाबा फरीदगंज ते थियणु खपे गुरु नानक साहिब ते थियणु खपे
छो न थन खपन ये छा वे न धरती जा दावा न होया छा हिंदू थी व्या सुनी थी व्या शिया थी व्या या के बे मजहब सा त वे न धरती दावा न है ही सेशन त सा गवर्नमेंट के करन खपन पर वरी भी जस्ता आदा दाऊद के त ही हेड़ा मेला मचाए तो पियो भिटाई ते गालाइंदा से त भिटाई जो सूर में हूं अज भी गायों वनन थियों अज भी उन सूरमन जा मिसाल देना था वनन ए इतना असन जी जका है लिबरल सोच जका असन जी सिंधु जी आ वो आए ता भिटाई घोट जी शायरी में थी जाहिर थे वो मुमल राणो हो जे ससी पुनु हो जे सोरठ राय ब्याज हो जे ही असन जी सोच माना अच्छा उन दौर के वरी असा कैलकुलेट करना से या गलाइंदा से तो उन दौर जी औरत अज जी औरत खां वधिक आजाद हुई वो भिटाई जी जका सुरमी आ वो अज जी औरत खां वधिक आजाद हुई ए असा जो जको सिंधी मर्द आ जे जे मथा सिर्फ एकड़ो लेबल लगल आ त असा वट कारोकारी थिंदो आए ए इयो माने इंटरनेशनल लेवल ते हाईलाइट तो थे उन दौर के मर्द के छा था चवंदा से भिटाई साहब जे दौर में वो औरत जदे जबल जागण वने थी पई अकेली डूंगर पान थी वो डोरे जे कदे वो औरत एडी ताकतवर आए उन जे पोया उन मर्द जो भी त हथ आए ना जे उन के या आजादी दीनी ए वो पाने घर वालन के मना बुधाए निकरे थी त मा पाने महबूब के गोलण थी वना ते या केडी सोच हुई असा जी जेका सिर्फ अज असा जिते किथे इंटरनेशनल लेवल ते मा के अफसोस तो थे त असा जो जेको सोच या असा जो एकडो जेको तसव्वुर तो काउंट थियो वन कयो वने वो इयो ही आ त सिंध जो मर्द जाबिरा सिंध जो मर्द कारी कंदो आ सिंध जी औरत मार खाइंदी आ सिंध जी औरत कुटजे थी पर तमा उन मर्दन के तमा उनन औरतन के की दिसंदो जेका अज हते भी गालाए थी त छा इन जे पोया मुझे घरवारन जो नाहे हथ जो मा अज हते भी थी गालाया अदि मेहताब राष्ट्रिया त ता छा उन जो नालो खणदो त साईं अकबर शाह राष्ट्रिया न खणदो जे असा बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो जो नालो खणदा से त छा असा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे के विसारे वेंदा से त ही सिंध आ न इहा ई त असांजी खूबसूरती आहे इहो ई त असांजो डीएनए आहे अच्छा हूं था सिंध जी परंपरा त सिंध जी इहा परंपरा रही आहे पर मूंखे अफ़सोस इहो थो थिए त जॾहिं उहो ई सिंधी हिते कराचीअ थो अचे त असां वरी थोरो उन्हनि जे रंग में रंगजी था वञूं छो त हू असांजा हमदीन ज़रूरु आहिनि पर असांजा हम ख़्याल न आहिनि हुन जूं सोचूं अञा ॿियूं आहिनि अॼु बि असां वटि जेकॾहिं औरत अचे थी त असांजो सिंधी मर्द उथी बि उनखे जॻह ॾींदो अॼु बि असांखे काई औरत खे इवन बस में वेहंदी या किथे बीठी हूंदी असांजो मर्द सुई बि उनखे जॻह ॾींदो त इहा असांजी परवरिश आहे न इहो असांजो डीएनए आहे न त असां हिन शइ खे कीअं चऊं त सिर्फ़ु इहो असांजो रुझान आहे त असां वटि औरत सिर्फ़ु कारी थी थिए तव्हां हिनखे कीअं था विसारे सघो ही जेको एस्पेक्ट आहे वो भिटाई खां खणूं या अॼु खणी अचूं असां इन एस्पेक्ट खे काॾे कंदासीं हाणे अचूं था त असांजे सिंध जे डीएनए में छा आहे असांजे असांजे सिंध जे खमीर में छा आहे असांजे खमीर में इहो ई आहे त असां जॾहिं बि रमज़ान शरीफ़ अचे थो त मुंहिंजे ख़्याल में न सिर्फ़ मुस्लिम रोज़ा रखनि था पर हिंदू क्रिश्चन कंहिं बि मज़हब जो बंदो या बंदी काई बि हुते हूंदी त इन एतराम में उहे रोटी हुनजे अॻियां न खाईंदा उनजे अॻियां पाणी न पीअंदा इहा मुंहिंजी सिंध जो डीएनए आहे जेकॾहिं ईंदासीं मोहरम शरीफ़ ईंदो त साईं जन इन्हनि शयुनि जा गवाह आहिनि त बग़ैर मतभेद जे देगियूं पचंदियूं आहिनि ऐं सबीलूं हलंदियूं आहिनि ऐं न्याज़ हलंदा आहिनि इहा मुंहिंजी सिंध जो डीएनए आहे अचूं था जेकॾहिं असांजी दीवाली हूंदी त असांखे वध में वधि मैसेजिस असांजा पंहिंजा मुस्लिम कम्युनिटीअ मां ईंदा त इहो इहो आहे न असांजे सिंध जो डीएनए त
पर हते वरी कराची में चौंदा अच्छा आपके गांव में ऐसे भी होता है अरे छाजो गांव ही सिंध में ही हो थिंदड़ आए जेका ता के खबर ना है छो त ता जाता लड़े आया हो उते अलाए छा होयो ता के हिता दी खबर ही ना है त मां एकड़ो अर्ज जरूर कदम पांजे स्पेशली जेके भी असा चार बैठा हूं जेतरा भी असा आयो त ई रिवायत असा हते भी एड़े नमूने सा हलायो ये मुजी सिंध आ ना ई कराची भी मुजी सिंध आ इया शय ये जेके असा सूफिया कराम ने ये जेके असा मैसेज आयन त अवल अला अलीम अला अलम जो धणी कादिर पहजे कुदरत सी कायम आए कदीम वाली वद वदउ रासक रब रहीम सो सारा सचो धणी जय हमद हकीम वडी पोया मा माईती उन ते कहते ही जेके मैसेजेस आयन या वो भिटाई जो मैसेज असा किए बिसारियो साईं सदाई करी मथे सिंधु सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी उन मुझे भिटाई घोट तो सरे आलम जिलाए दुआ घुरी तो असा जो यो फर्ज तो थे तो ही शयों ये गालियों असा जे सिलेबस में अचन खपन जेके असा जान हीरोज हैं बगैर के डिस्क्रिमिनेशन जे बगैर के भेदभाव जे उए सिलेबस में अचन खपन हेड़ा प्रोग्राम थन खपन ये प्रोग्राम न सिर्फ प्राइवेट लेवल ते पर स्कूलन में थन खपन नेशनल लेवल ते थन खपन इंटरनेशनल लेवल थन लेवल ते थन खपन सिर्फ एकड़ो डी न टोपी अजरक जेते असा सिर्फ झमरियो ए हंबोशी वणो था पया दैट्स गुड होजे थोड़ी हंबोशी भी होजन खपन जिंदगी में पर ही जेके असा जा नेशनल हीरो है जिन जे नाम ते जे नाले ते मुझे धरती सुनाती थी वने रियली स्पीकिंग मां जने भी बाहर वेंदी आया किथे जे मर असा उनन के बुधाइंदा आयो असा का अचरज में पुछंदा है त आप लोग वहां कैसे रहते हैं हमने तो ये सुना था लड़कियां किडनैप होती हैं हमने तो सुना था छोटी फोर्स कन्वर्जन होती है हमने तो सुना है आप लोग इबादत गांव में नहीं जा सकते मैंने कहा मां रिचोनियन हो सकता है कि आपके मुल्क में या आपके सूबों में ऐसा होता हो हम जब अपने त्यौहार मनाते हैं तो हमारे अपने सिंधी भाई बाहर हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं या पूरी सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है जे मां तां सां जरूर एकड़ी शेयर शेयर कर कंदी हलां दादा मुझे टाइम पूरो कर हां जने लाड़काणे में इशू थियो हुयो मां हमेशा इन शय के ढी दुखायल दिल से इनके याद कंदी आ धर्मशाला सड़ी हुई मतलब वो ढी रात ढी खराब हुई वह जो रात गुजरी उन ढी मुख ये लगे पो तो जो 1947 में जो है अस जुदा थे असा हम ख्याल है हमदीन अची व्या हुआ तो वह इं ही होंगी छो तो वह रात में कंडन से गुजारी हुई मां चेयरपर्सन हुय वो ही मोब वरी मुझे घर में घर ते आयो अटैक करण अटैक कंदे हुनन जा ये लफ्ज होया त साड़ियो ये वायणी आ लफ्ज जको हुयो सरण खा मखे न हुई त मां सड़ी वेंदम असा आखरी दफो मां पने घर वाले के बिठो है आखरी दफो मां पने बचड़न के बिठो मखे ये फील थियो त हन खा प मां न हुंदम ए मुंडा बच्चा भी न हुंदा आखिरी दफो एक बे के हसरत से बैठो से छो तो वो केरोसिन हारे हारे चुका छड़ो तिल लगाने की देर हुई धर्मशाला सड़ी चुकी हुई शिवालो सड़ी चुको हुयो मुझो डो यो हुयो तो उन्हें नहीं कल्पना सिंधी मां हिंदू थी वही हुई ओ सॉरी हिंदू मां सिंधी थी वही हुई ए मां पांजे कम्युनिटी जी मुखियाणी होयस तो हनन चो इन के साड़ियो ए के ब्या न होया जी चवंदा ना मु पक सुनाता पांजा धाड़े में गड तारन सा वे पांजा मुके नजर अचन पया उंदे में भी नजर अचन पया एड़ी निभावी मुजी नजर हुई जो उंदे हुई मुके नजर अचन पया बारा अना हु जे मल तीली लगाण वाला ही होया त मुजे भरसा ही दरगाह है साईं कायम अली शाह साहब जी बड़ी दरगाह है असने लाड़काणे में अस सब हिंदू उनते विंदा हूं
तो उतना दरगाह जा जेके संभालींदड़ मौलवी हजरत उहे ढुकी उते पहुता होया त पहिरियां असां खे साड़ींदो पो कल्पना खे साड़ींदो ऐं मां टे ॾींहं हाउस अरेस्ट हुयो मुंहिंजे घर जे ॿाहिरां क्रिकेट लॻी पई रेंजर्स हुई उहे मूंखे ॿाहिरि वञण न पिया ॾियनि ॿिए ॾींहं ते जॾहिं मां निकितमि छो त धर्मशाला सड़ी चुकी शहर जे लाइ छा हालति हुई एज अ चेयरपर्सन मुंहिंजो फर्ज़ हुयो त मां वञी शहर खे ॾिसां पोइ जॾहिं मां निकितमि त मुंहिंजे इर्द गिर्द जेको हसार हुयो उन में मुंहिंजा उहे मुंहिंजा पाड़े जा सिंधी छोकिरा कोंपरस छोकिरा हुया जेके मूंखे उहो धर्मशाला ताणी वठी पिया वञनि त मां इन मोहबत खे काॾे कयां मां उन सोभे ज्ञानचंदाणी जी उन मोहबत खे काॾे कयां जॾहिं उनखे तशदुद थो कयो वञे ऐं उनखे चयो थो वञे त हाणे शोभा इहे धरती तुम्हारी नहीं है यहां से चले जाओ त बाबा उन्हनि खे इहो थो चए त मैं तो यहां का हूं तुम बाहर से आए हो तुम चले जाओ त इन मोहबत खे असां छा कयूं नफ़रत त विकामजी वई थोरी देर लाइ पर जेका वरी मूंखे मोहबत मिली ऐं उन खां पोइ मुंहिंजो सॼो शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान मां माण्हू मूंसां अची गॾु बीठा ऐं हुननि असांखे दिलजो ई ॾिनी पर मां हिकिड़ो अर्ज़ु ज़रूरु कंदुमि त अहिड़ा वाकिया न थियनि त ॾाढो सुठो आहे हिकिड़ो वचन हितां करे उथऊं त कंहिंजी बि न्याणी कंहिंजो बि मंदरु कंहिंजी बि जेका दर्सगाह कंहिंजी बि इमाम बारगाह जॾहिं सड़े ख़ुदा न ख़ासा सड़े मां इहो नथी चवां को अहिड़ो इशू थिए त इहो सोचण खां सवाइ निकिरी पऊं त हीअ कंहिंजी थी सड़े बसि इहो सोचूं त इहा मुंहिंजी सिंध थी सड़े इहो मुंहिंजो अंदरि थो सड़े त मुंहिंजे ख़्याल में असां घणी शयुनि खे बचाए वेंदासीं मां तव्हांजो घणो टाइम वरितो तव्हांजा लख थोरा तव्हांजा लख अहसान मूंखे ॿुधव तव्हांजी महिरबानी थैंक्यू प्रोग्राम जे इफ़्तिताह ऐं इख़्तिताम लाइ साहिब सदर असांजे महबूब भॻवान ख़्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कोरेजा साहिब खे दरख़्वास्त आहे त पाण अचो ऐं असांखे पंहिंजे फ़िक्र सां नवाज़ियो सॼण ॾिठो जिन तिन ॾिसण ग़ैर गुनाह जिनी लधी राह विहण तिनी वेह थियो असुरी तौहीद जो कलाम आहे मेॾा इश्क बि तूं मेॾा यार बि तूं मेॾा दीन बि तूं ईमान बि तूं उहो ई ख़्वाजा फरीदा जंहिंजा गदनशीन साहब असांखे नवाज़ींदा पंहिंजे वहद जे अखरनि सां साईं معزز حضرات معزز خواتین اور آج کی اس محفل کے میزبان محمد داؤد میمن صاحب اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سرکنڈ کے سید منیر علی شاہ صاحب اور ہماری جماعت اسلامی سے آئے ہوئے اسد اللہ صاحب رسول اللہ چنا صاحب یہ تاریخ کا پہلا موقع ہوگا کہ آج جماعت اسلامی نے ہمیں تصوف کے بارے میں درس دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ آگے بھی سلسلہ چلنا چاہیے اور زیادہ اس کو بڑھانا چاہیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا اور دوسری یہ کہ میں 3 سال سے کینسر کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں اور مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا یہ تو محمد اور میمن صاحب کی محبت تھی کہ میں 3 گھنٹے بیٹھ گیا ورنہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے میرے اندر جو یہ مصیبت ہے یہ اتنی
गर्मी पैदा कर देती है कि मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तकरीर अगर जिंदा रहा तो फिर आके कहूँगा कि वह मुझे 3 घंटे हो गए, मैं ठीक टाइम पे पहुँच गया था, अगर मेहमान साहब मुझे थोड़ा सा वक्फा दे देते तो मैं बाद में आता तो आपसे बात भी कर सकता। मतलब आपने हमारे दानिश्वरों की तकरीरें सुनी हैं और ख़ास तौर पर पिछली महफिल में भी कल्पना देवी ने हमारी महफिल को लूट लिया था और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि हम तो तस्वुब पर अपनी जानदारी समझते हैं ना, इस पे और कोई क्यों बोलता है, उसको तो ये हक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज मैं एक चैनल पे बता रहा था, अब ये तकरीर नहीं है, ये बस समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ मौजूआत के अल्फाज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद का नजराना पीर पर हराम है, हराम। और आज पीर जो है वो मुरीदों के घरों को उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है। वो मुरीद जिसके पास बच्चे की फीस के पैसे नहीं होते उसको भी पीर को देने पड़ते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी की उस चैनल की मार्फत कि इस काम पर तो पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये कोई तसव्वुफ नहीं है, ये तो लोगों के साथ एक दहशतगर्दी और बर्बरियत है। तो बाकी तसव्वुफ तो देता है, लेता तो नहीं है। तसव्वुफ ने आज तक हमेशा लोगों की झोलियाँ भरी हैं, लोगों के दिल जोड़े हैं, लोगों को मोहब्बतें दी हैं, लोगों को इज्जतें दी हैं, लोगों को कामयाबियाँ दी हैं। ये लूट मार तो नहीं है तसव्वुफ में जो आजकल काम शुरू है। मैं हज़रत सैयद मुनीर शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा, अगर और प्रोग्राम नहीं है तो, कि ये दुआ फरमा लें। और मेहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगरचे हमारे इस हाल में कमी महसूस हो रही है लोगों की, लेकिन कोई नहीं, आप राह रास्ते हैं, सीधे रास्ते पर हैं। जब पहली बैत ली थी आका अलैहि सलातो वसलाम, कितने लोग थे उसमें, तो बस कोई बात नहीं, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये जो दरबारों वाले हैं ना, इनको पता भी चलता है और अल्लाह की मदद से ये तवज्जो भी फरमाते हैं और मदद भी करते हैं। आपने नेक नियत से एक प्रोग्राम किया और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें 20 मिनिस्टर्स आते, 40 सेक्रेटरीज आते, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग आपको मिल गए और क्या चाहिए आप। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मेजबान ने कहा उन्हें जा सब करेंगे। मोहम्मद मेरा मौला करीम, हमने हाथ उठाए हुए, हाथ फैलाए हुए हैं, हमारे ऊपर रहम फरमा। सदका सैयद आए कायनात सलामुल्लाह अलैह का, अहले बैत अतहार का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे दिलों में जो परेशानियां हैं, जो हमारे दिलों में अर्जियां हैं, जो हमारे दिलों में दरख्वास्तें हैं, उनको शर्फ कबूलियत बख्शना, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, चार चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, हमारे बच्चों को सलामत रख, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद है तो उनको सेहत कामला वाजला के साथ मज़ीद उम्र अता फरमा। रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हमारे दोस्त थे जिनके साथ मेहमान साहब की और हमारी बड़ी मुश्तरक रिफाकत रही, सरवर साहब सोमरो लड़काने की, उनका इंतकाल हो गया है। वो हमारे बड़े दरीना साथी थे, जब से हमने ये काम तसव्वुफ पे शुरू किया वो हमेशा आगे आगे रहे। दुआ करें अल्लाह ताला
उनकी मफरत फरमाए। मेरा मौला उनकी जो बिछड़ी कोताहियाँ हुई हैं, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, वो सदका अहले बैत अतहार के माफ़ फरमा दे, कब्र के मराहिल को आसान फरमा दे, उनकी औलाद को मजीद सदमात से बचा, उनको खुशियाँ अता फरमा और रिज़्क़ की फराहमी अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह। With this we come to the end. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल जे गहराइन सा आयल मेहमानन हाजरन जी शुक्रगुजार आया तहां पांजो कीमती वक्त दे सा बुधर। थैंक यू वेरी मच। आगे से हटना बेटा, तस्वीर थी तस्वीर थी। वो क्या कहते हैं, खुद खाते हैं खुद कमाते हैं, इसीलिए ये अल्लाह की तरफ से ये किसान और इतने खूब लाए आपने हमें नहीं खिलाया पे। आप लास्ट टाइम कह के गए थे कि आप हम ऐसे ही आ जाएंगे ना, ऐसे ही ऐसे जी आपने ये नहीं, हम आपको उस समस्या में नहीं डालेंगे। वैसे वैकेशन है सही, मेरे पति देव को कहे मुझे लेके आए फोटोग्राफर मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ ले रहे हैं यहाँ पर। मैं फिर वो बीवी बन जाती हूँ कि लेके आए, जबकि टिकट मेरी ही होगी। पहला पहला आपको जो है कश्मीर से है कोई एक ही चीज़ सिंध में क्रॉस करें तो पहला पहला हमारा हमसाया आप हमसाया नहीं आप हमारे हैं जी सकर से अगर हाँ जी सकर सकर वो भी और जल्दी पहुँचे। मैंने सुना है सर जी, मैंने कहा कि आप क्लेम करें कि जी ये जो मुल्तान तक हमारी सिंध की हुकूमत थी तो हमें वापस दी जाए। सर फिर बॉम्बे भी वापस लेनी पड़ेगी आपको। वो पहले बॉम्बे छोड़े पहले हमें से क्योंकि सिंध हमारी जो थी अफगानिस्तान तक जा रही थी और अर्जुन ने कहा है ना मक्का मदीना में वापस करा जी ना जी हाँ सुना तो इसलिए आप भी मुतालबा करें
हमें वापस कर मैं इंतजार करूंगा जी सर डॉक्टर साहब जी हुकुम कदे बिहार वेदर जल्दी प्रोग्राम अलग जी हुकुम सर अब प्रति देर का बहाना नहीं है हां सर ये मान है कहाँ से कौन खींच रहा है भाई हो गई सर शादी आओ सर कैमरा मैन अंगूर मत देखो अंगूर कैमरा था सिंगर है ये आपके साथ थैंक यू माल नहीं अब आपके वहाँ पर आएंगे वहाँ पर आदरी प्रयोग जरूर बेटा जरूर जो मेरा जो है ना पोता जो आपका जो नवासा है अच्छा वो उसके साथ बाप अंग्रेजी बोलता है अच्छा वालदा सिंधी बोलती है सही और